नमस्कार, स्वागत है आपको आपके ही YouTube चैनल फिनोवेज पे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आज हम लोग बात करने वाले और एक मुनाफे वाले स्टॉक के बारे में जो आपको और मुनाफा दे सकता है। यहाँ पे हम लोग आपको ये स्टॉक का ग्राफ दिखा रहे हैं। बहुत ही कम अमाउंट का स्टॉक है, 35.75 पैसे में अभी ट्रेड हो रहा है और यहाँ पे अगर आज का रेट का आप देखेंगे करीबन 1.71% का रिटर्न दे चुका है अभी तक का। अमाउंट पे बात करते हैं 0.60% का, माफ़ कीजिए 0.60 पैसे का। तो यह स्टॉक में आज हम लोग सजेशन पे लाने के बाद ये है दोस्तों, क्योंकि बहुत ही छोटा अमाउंट का स्टॉक है, तेज़ी अच्छा खासा बन रहा है ये स्टॉक में। अगर आप ये स्टॉक का ग्राफ पैटर्न भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें और जो है ये स्टॉक में थोड़ा बहुत मुनाफा मिल सकता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा ये स्टॉक के बारे में एक बार जो है रिसर्च करके जो भी इन्फॉर्मेशन आता है हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेज के द्वारा आपके सामने दिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में जो है अभी बहुत ही कम अमाउंट का स्टॉक है दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे डिविडेंड और स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं ये स्टॉक के बारे में तो आज के रेट में स्टॉक का प्राइस जो है ओपन हुआ है करीबन 35.25 पैसे में। हाई प्राइस दिया है 35.90 पैसा एंड लो प्राइस दिया है 34.95 पैसे का। तो ये स्टॉक पे अभी जो है आप देख सकते हैं बहुत ही कम अमाउंट का स्टॉक है, फिर भी स्टॉक में एक तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। हम लोग आपको एनएससी में भी दिखाएंगे एनएससी का वॉल्यूम क्या बोल रहा है। तो ये स्टॉक एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आगे अगर ये कंपनी का ये इन्फॉर्मेशन निकालते ये स्टॉक का करीबन 52 वीक का हाई प्राइस 49.25 पैसा, 52 वीक का लो प्राइस 24.40 पैसा। 52 वीक का जो हाई प्राइस है 49.25 ऐसा, यहाँ पे देख सकते हैं उससे करीबन 12-15 रुपया नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बहुत ही ये स्टॉक के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो 59 वीक का जो हाई प्राइस है वो ये स्टॉक जो है टच करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन इसमें मुनाफा ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में जो 6 महीने से अच्छा खासा सेलिंग एंड बाइंग दोनों चल रहा है। अगर हम लोग बात करेंगे तो एक दिन में जो स्टॉक में एक तेज़ी बनता हुआ दिख रहा है। 6 महीने का जो ग्राफ आपको दिखा रहे हैं हम लोग, 6 महीने के अंदर स्टॉक जो है करीबन 30 रुपीज़ के नीचे भी चला गया था, जो कि करीबन 26 या 28 रुपीज़ में ट्रेड हो रहा था। 6 महीने के बाद ये स्टॉक में एक तेज़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हम लोगों ने 6 महीने का ग्राफ दिखा है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉक में जो है बहुत टाइम एक बार डाउन ट्रेंड भी देखने को मिला है। तो इसलिए हम लोगों ने ये स्टॉक के ऊपर रिसर्च किया और आगे जो है हम लोग को जो भी टारगेट प्राइस रहेगा वो देने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर आप जो है मैक्सिमम चार्ट लगा के मैक्सिमम जो ग्राफ है ये स्टॉक का वो भी देखते हैं, स्टॉक का प्राइस जो है करीबन मैक्सिमम में देखेंगे तो 100 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। मतलब ये स्टॉक जो है दोस्तों ऐसा नहीं कि 200-250 रुपये तक जा सकता है, बहुत ही कम अमाउंट का स्टॉक है। तो आपको जो इसमें टारगेट प्राइस सेट करना पड़ेगा, एक कम अमाउंट का टारगेट प्राइस सेट करना पड़ेगा तो आपको जो है मुनाफा मिल जाए। अगर आप लोग कुछ साल पहले का देखेंगे तो इस स्टॉक में जो है करीबन 100 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। अगर हम लोग एक साल का ही बात करते हैं स्टॉक में करीबन जो है एक साल में 49.85 पैसे का या फिर 50 रुपीज़ के आसपास ये स्टॉक ट्रेड हो रहा था। एक महीने के अंदर का स्टॉक का बात करते हैं तो एक महीने के अंदर जो है ये स्टॉक का प्राइस था 33.75, मतलब एक महीना पहले ये स्टॉक का जो प्राइस था वो था 33.75, उसके बाद अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 35.80, मतलब एक महीने के अंदर स्टॉक जो है करीबन 3 या 4 रुपये का मुनाफा दिया है, माफ़ कीजिए 2 या 3 रुपये का मुनाफा दिया है। तो स्टॉक में ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी यहाँ पे आगे का इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग निकालते हैं तो ये स्टॉक के बारे में बात करने से पहले आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। करीबन जो है बहुत पुराना ये स्टॉक है और ये स्टॉक का अगर हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेशन करीबन 1981 में ये स्टॉक जो है शुरू किया गया था, कंपनी शुरू किया गया था। एंड यहाँ पे अगर आप आगे का इन्फॉर्मेशन निकालते प्रेजेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स 51.5% इक्विटी इन नेल्को, मतलब ये स्टॉक का नाम है नेल्को एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास करीबन 51.5% का स्टेक है नेल्को का। तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू देखते हैं आपको रेवेन्यू में जो है करीबन 1.2 बिलियन जो है रेवेन्यू 2020 तक का दिख रहा है एंड ऑपरेटिंग इनकम जो है 32 मिलियन का जो है 2020 तक का ऑपरेटिंग इनकम दिख रहा है। नेट इनकम का बात करेंगे 19 मिलियन है 2020 तक का एंड टोटल एसेट का बात करेंगे 2 बिलियन है 2020 तक का। यह स्टॉक में अगर आप खरीदते हैं तो आपको अच्छा खासा एक मुनाफा मिल सकता है। यहाँ पे अगर आगे का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं नेल्को का, यहाँ पे ये बात निकल के आ रहा है कि इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड एलुमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स इन द कंट्री। तो इंडिया का जो है बहुत ही बड़ा एक लार्जेस्ट एलुमिनियम पावर कॉम्प्लेक्स है कंट्री का, इंडिया का, और द कंपनी इज द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जो है ग्रेड एलुमिनियम इन द वर्ल्ड। तो कंपनी जो है बहुत कम खर्चे में अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बनाता है एंड उन लोग का जो कंपनी का जो बिजनेस है
बिजनेस भी जो है एक अच्छा खासा रेवेन्यू भी ये लोग निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट्स में बात करते हैं तो एलुमिनियम एलुमिनियम हाइड्रेट ये सब इन लोगों का प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे जो आपको शेयर होल्डिंग का हम लोगों ने बताया थोड़ा टाइम पहले, शेयर होल्डिंग का पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट के पास करीबन 51.5% का जो है स्टेक है, और बाकी जो स्टेक है अन्य जो म्यूचुअल फंड्स या फिर FIS हो गए अदर्स के पास या फिर पब्लिक के पास है। यहाँ पे आपको जो स्टेक है उसका भी हम लोग थोड़ा यहाँ पे डिटेल्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किसके पास कितना है। आगे अभी जो है डिविडेंड थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। डिविडेंड की बात करेंगे तो कंटिन्यूअसली जो ये स्टॉक जो है डिविडेंड दे रहा है अपने इन्वेस्टर्स को, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूअसली स्टॉक जो डिविडेंड दे रहा है 2020-19 उसके बाद 18 कंटिन्यूअसली ये स्टॉक जो है थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दे रहा है। तो इसलिए हम लोग को लगा ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है और थोड़ा बहुत मुनाफा इसमें जो है आप लोग निकाल सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, ज़रूरी नहीं है कि आप ये स्टॉक में ट्रेड करें या फिर हम लोगों ने जो टारगेट प्राइस देंगे उसी में आप ट्रेड करें। खुद से रिसर्च ज़रूर कर लीजिए, जो हम लोग को लगा ये स्टॉक के बारे में वही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो डिविडेंड का बात किया हम लोगों ने, आप देख सकते हैं हर साल को जो है ये स्टॉक में इन्वेस्टर्स को थोड़ा बहुत डिविडेंड दिया हर साल को। यहाँ पे जो है हम लोग 2016-17-18 का सब इन्फॉर्मेशन निकाला है, तो उसके बाद हम लोग को जो है एक इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्टिंग ग्राफ लगा और कंपनी का डिटेल्स भी है एक इंटरेस्टिंग लगा है। यहाँ पे अगर बात करते हैं एवरेज ब्रोकर टारगेट 38.50 है एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन का बात करेंगे 6,613.6 का जो है मार्केट करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है। ये स्टॉक अगर आप खरीदते हैं PE ट्रेलिंग जो है 12M 47.8 का दिखा रहा है, तो ये स्टॉक में जो नेल्को में जो अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपको जो है इसमें एक टारगेट प्राइस रखना पड़ेगा। दोस्तों चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं टारगेट प्राइस कितना है, क्योंकि कंपनी का थोड़ा बहुत जो इन्फॉर्मेशन है उसके बाद जितना भी ये कंपनी ने डिविडेंड दिया है अपने इन्वेस्टर्स को उसका तो हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाल लिया है। एंड यहाँ पे NSE का बात करते हैं, NSE में भी जो वॉल्यूम ट्रेडेड है 7.3 मिलियन का वॉल्यूम ट्रेडेड दिख रहा है, 35.45 पैसा अभी इसका जो है प्राइस चल रहा है। तो जितना भी इन्फॉर्मेशन है हम लोगों ने थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश किया है। अभी अगर ग्राफ देखते हैं एक दिन का जो आप लोगों ने आपको ग्राफ दिखाया, ग्राफ भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये स्टॉक में जो है आप अगर खरीदारी करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो एक मुनाफा मिल सकता है। अभी इसमें हम लोग एक बार टारगेट प्राइस देख लेते हैं कितना टारगेट इसमें रख सकते हैं हम लोग, इतना हम लोगों को मुनाफा मिल सकता है। का जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने निकाला इस वीडियो में ये स्टॉक के नेल्को के बारे में, तो यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं और अगर आपको इसमें टारगेट प्राइस रखना है तो वो रहेगा करीबन 36.50 से लेके 37 रुपीस तक। मतलब अगर आप ये स्टॉक में कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहते तो करीबन जो है 36 रुपीस या फिर 36.50 तक एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत मुनाफा मिल सकता है। मतलब एक ही स्टॉक में करीबन आपको 1 से 1.5 रुपया मिल जाएगा दोस्तों। और स्टॉप लॉस जो है ज़रूर रखना है, क्योंकि हम लोगों ने अभी ग्राफ में देखा है स्टॉक में जो है बीच बीच में गिरावट भी देखने को मिला है, और 6 महीने का अगर जो भी हम लोगों ने ग्राफ देखा है 6 महीने का उसमें भी स्टॉक में जो करीबन 28 रुपीज़ के नीचे या फिर जो है 27 रुपीज़ के नीचे स्टॉक चला गया था। इसलिए टारगेट प्राइस ज़रूर इसमें जो है एक बार सेट कर लीजिए। हम लोग को जो लग रहा है इसमें एक टारगेट प्राइस रहना चाहिए और वो रहेगा करीबन 34.50 पैसे का। अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 35.75, तो अगर आपको ये स्टॉक 35 तक मिल जाता है और अगर आप टारगेट प्राइस इसमें जो है सेट करते 36 रुपीज़ 36.50 का, तो आपको जो एक ही स्टॉक में आराम से 1 से 1.5 रुपया बन जाएगा दोस्तों। तो ये सिर्फ एक हम लोग का ओवरव्यू है, रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप स्टॉक लेते खुद से भी एक बार रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि खुद से रिसर्च करना जो भी स्टॉक लेते आप उसमें बहुत जरूरी होता है। वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक कम अमाउंट का स्टॉक है जिसमें मुनाफा मिल सकता है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना। आशा करते जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है आपको अच्छा लगा है, और अगर आप एंजल ब्रोकिंग से एक ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं फ्री में तो कर सकते हैं। हम लोगों ने वीडियो के डिटेल्स में उसका लिंक देके रखा जहां से जाके जो है आप एंजल बुकिंग का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ से आप एंजल बुकिंग का ट्रेडिंग एंड डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको जो है एक साल का मतलब वन ईयर जो है MC है यू विल गेट इट फ्री। तो यहाँ पे जो है हम लोग वीडियो को कंप्लीट करते हैं, आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है आपको अच्छा लगा रहेगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।